इंसान की हिस्ट्री में सबसे मुश्किल तरीन दौर एक बार फिर से शुरू होता है मिडिल एजेस में। ये साल 476 था जब रोमन एम्पायर गिरा, मगर जंगे तब भी नहीं रुकी और फिर शुरुआत हुई डार्क एजेस की, जिसमें उस दौर की साइंटिफिक नॉलेज को डिनाई किया जाने लगा। साथ ही में इकोनॉमिक, कल्चरल, आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल और मेडिकल वैल्यूज को भी डिक्लाइन किया जाने लगा। ये सिलसिला अभी चल ही रहा था कि साल 536 में अचानक से मिस्टीरियसली सूरज भी गायब हो जाता है और अगले 18 महीनों तक अंधेरा रहता है। क्लाइमेट में एकदम से चेंज आता है, टेम्परेचर लो होने लगता है और सर्दी हद से ज्यादा बढ़ने लगती है। ट्रेड्स बंद हो जाती हैं, खाना खत्म होने लगता है और जीना मुश्किल होने लगता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि सूरज एकदम से गायब कैसे हो गया, ये तो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जमीन अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हुए सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, तो ये सूरज अचानक से कहां चला गया। इसके पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद है जो कि एक नेचुरल डिजास्टर से हुआ था, इसे मैं वीडियो में आगे मजीद एक्सप्लेन करूंगा, तो मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक देखें। ये कहानी है डार्क एजेस की। साल 313 में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटिन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है और फिर रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी बन जाता है और पूरा एम्पायर इसी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रोमन क्रिश्चियन सिविलाइजेशन फ्रांस से लेकर इटली, नॉर्थ अफ्रीका, सीरिया, इजिप्ट और स्पेन तक फैलती है। इस दुनिया में जहाँ जहाँ ये जाते हैं लोग इसी रिलीजन में कन्वर्ट होने लगते हैं। फिर साल 476 में जर्मन वारलॉर्ड ओडोवेसर रोम को इन्वेड करता है और लास्ट रोमन एम्परर रोमुलस ऑगस्टुलस को डिफीट करता है और यहीं पर रोमन एम्पायर का डाउनफॉल होता है और मिडिल एजेस की शुरुआत होती है। मिडिल एजेस को डार्क एजेस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि रोमन एम्पायर खत्म हुआ था और बाद में इसे रूल करने वाला ओडोवेसर एक बारबेरियन सोल्जर था। जर्मेनिक ट्राइब्स जैसे विजिगोथ्स, वैंडल्स, ओस्ट्रोगोथ्स और हंस रोमन टेरिटरीज पे अपने खुद की किंगडम्स बना लेते हैं। इस समय बहुत सारी जंगें लड़ी जाने लगती हैं, माइग्रेशन बढ़ जाती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होने लगते हैं और ट्रेड्स गिरने लगती हैं। इससे पहले रोमन एम्पायर के दौर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स हुआ करती थी और रोमन एम्पायर की इकोनॉमी बहुत अच्छी हुआ करती थी। फिर इसके इकोनॉमिक, आर्टिस्टिक, आर्किटेक्चरल, मेडिकल, इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल नॉलेज की वैल्यू की तबाही शुरू हो जाती है। ये सिलसिला बिल्कुल खत्म तो नहीं हुआ था, मगर बहुत हद तक स्लो डाउन हो चुका था। आसान लफ्जों में आप कह सकते हो कि लोग आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाने लगे थे। रोमन एम्पायर को गिरे अभी कोई हाफ सेंचुरी ही हुई थी कि साल 536 में यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों में बादल छाने लगते हैं और सूरज 18 महीनों तक दिखना बंद हो जाता है। उस समय के एक रोमन पॉलिटिशियन कैसिडोरस लिखते हैं कि सूरज का रंग नीला था, चांद की चमक न रही, लगता है सारे सीजन एक साथ आ मिले हैं। इससे ज्यादा खौफनाक चीज क्या हो सकती है कि हम दिन में अपने जिस्मों के साए न देख कर हैरान होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन माइकल मैकॉर्मिक द लॉन्ग मॉर्निंग ऑफ मेडिवल यूरोप में डार्क एजेस के बारे में लिखते हैं और कहते हैं 536 दुनिया की हिस्ट्री का सबसे मुश्किल और बदतरीन समय में से एक था। दुनिया में मिस्टीरियसली फॉग निकल आई और अगले 18 महीनों तक सिर्फ रात का समय रहा और टेम्परेचर लो हो गया, जिसकी वजह से मौसम सर्द रहने लगा। इस फॉग के अचानक से इस तरह से निकल आने और सूरज के छुप जाने के पीछे कुछ साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस के थ्रू पता चलता है कि मल्टीपल जगहों पे वोल्केनोस एरप्ट हुए थे, आतिशफिशा फटे थे जिसकी वजह से एशेज उड़ी और एटमोस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुआ जिसमें वाटर वेपर्स थे जिसकी वजह से सल्फेट एरोसोल्स बने और सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में जाने लगी और रोशनी जमीन तक ना पहुंच सकी। क्लाइमेट में चेंज आया, टेम्परेचर लो होने लगा और गर्मी के मौसम में स्नो पड़ने लगी। इसे लेट एंटीक लिटिल आइस एज भी कहते हैं। इस इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और ग्लेशियोलॉजिस्ट की एक टीम के थ्रू स्विस ग्लेशियर्स पे रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद एक थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था कि 18 महीनों तक यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों में अंधेरा क्यों रहा था। ये चीज आज तक हिस्टोरियंस को बहुत ज्यादा पजल करती आई है, मगर आज के साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस कहते हैं कि वोल्केनस एरप्ट होने की वजह से ये सब हुआ था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर और पेरिजन एम्पायर, जिन्हें बाइजेंटाइन और ससानियन एम्पायर्स भी कहते हैं, इनके दरमियान वॉर सीरीज शुरू होती है जो साल 602 से शुरू होती है और साल 628 की फाइनल वॉर तक चलती है। इस वॉर सीरीज में मेसोपोटामिया और लेवांट यानी कि सीरिया, इसराइल, फलस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, साइप्रस और कॉन्स्टेंटिनोपोल जो आज तुर्की है, यहाँ क्रिश्चियनिटी फैलने लगती है। इनकी ये वॉर सीरीज शुरू होती है कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर और कुछ मजहबी डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि रोमन्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे और पेरिजन्स जिन्हें आज ईरानियन कहते हैं
हैं ये ज़ोरोएस्ट्रियंस हुआ करते थे। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को जुडाइज्म की तरह दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनोथियस्टिक एक खुदा को मानने वाला रिलीजन कहते हैं, मगर ये कहना अभी अनक्लियर है कि इन दोनों में से पहले कौन सा रिलीजन आया था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि जब भी कोई कंकरर एक कंट्री को कंकर करता था तो अक्सर उनकी पुरानी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। विकिपीडिया पे अगर एक नजर डाली जाए तो पता चलता है कि ज़ोरोएस्ट्र जो कि इस रिलीजन के एक प्रॉफिट माने जाते हैं, वो जीसस से भी 1000 साल पहले मतलब कि आज से 3000 साल पहले आए थे। और अगर मजीद आगे देखें तो लिखा है कि प्रीसीडेड बाय मोसेस और सक्सीडेड बाय बुद्धा। जब भी किसी चीज में प्री की टर्म यूज की जाए तो इसका मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले। इस हिसाब से पहले बुद्धा आए और फिर बाद में इस रिलीजन के प्रॉफिट ज़ोरोएस्ट्र आए और फिर उनके बाद मोसेस आए, और इस मजहब के फॉलोअर्स को आज पारसीज कहा जाता है। history.com पर अगर जाएं तो इस पर लिखा हुआ है कि ये रिलीजन 4000 साल पुराना है और दुनिया का सबसे पहला मोनोथियस्टिक रिलीजन है। स्कॉलर्स आज भी इस चीज पर डिबेट कर रहे हैं कि पहले कौन आए थे, ज़ोरोएस्ट्र या फिर मोसेस, मगर दोनों तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता। 7वीं सदी में फिर कुछ अरब कॉन्क्वेस्ट अपनी आर्मी साथ लिए नेबर रीजन्स में निकलते हैं। मिडिल ईस्ट में नॉर्थ अफ्रीका से होते हुए स्पेन तक पहुंचते हैं और इराक से होते हुए 8वीं सदी में इंडिया तक पहुंचते हैं। तब इन सब जगहों पर एक नए रिलीजन इस्लाम की शुरुआत होती है। 8वीं सदी में फिर नॉर्थ सीफेरर्स जिन्हें कॉमनली वाइकिंग्स कहते हैं, इनकी रेड्स शुरू होती हैं। ये नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से निकलते हैं और यूरोप में जाने लगते हैं। अक्सर ये कोस्टल एरियाज और रिवर्स में आने जाने वाले लोगों को सरप्राइज अटैक करते हैं और लूट मार करते हैं। इनके पास समुद्र में नेविगेशन के अच्छे स्किल्स थे और वेल्थ ही इनका डिजायर था, तो ये जहाँ भी जाते गोल्ड, सिल्वर और कीमती स्टोन्स अपने साथ उठा लाते। इनकी इन्हीं रेड्स की वजह से यूरोप की हिस्ट्री और इकोनॉमी पे एक लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है और ये सिलसिला 11वीं सदी तक चलता रहा। 11th century में फिर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च अपनी लैंग्वेज, कल्चरल और थियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से अलग हो जाते हैं और फिर इसी सेंचुरी के एंड पे क्रूसेड्स शुरू होते हैं। इस वॉर में यूरोपियन क्रिश्चियंस निकलते हैं जेरूसलम को मुसलमानों के कंट्रोल से वापस लेने के लिए। अगली 2 सेंचुरीज तक मजहबी जंगों की ये एक क्रूसेड्स की लंबी सीरीज चलती हैं जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान हुई। 14th century में फिर 100 साल तक फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान कुछ सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जंगें लड़ी जाती हैं। इसी समय ब्लैक डेथ की शुरुआत होती है जिसे ब्यूबोनिक प्लेग पैंडेमिक कहते हैं, जो इंसान की हिस्ट्री में वन ऑफ द डेडलीस्ट पैंडेमिक था और 7 साल तक चलता रहा। ये वायरस एक बैक्टीरिया से फैला था जो फ्लीज जैसे कीड़ों में था जो अक्सर चूहों में रहते थे। इसमें एस्टिमेटेडली 50 मिलियन लोग मारे गए जो कि उस समय की यूरोप की 50% एक हाफ पॉपुलेशन थी। इस मैप को देखिए, ये वो जगह हैं जहां पे ये पैंडेमिक फैला था। इस समय ट्रेड्स रुकने लगी और यूरोप काफी हद तक नीचे गिर चुका था। इसके बाद मिडिल एजेस या कह लें कि डार्क एजेस खत्म होती हैं और एक मॉडर्न दौर की शुरुआत होती है। यूरोप एक न्यू सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, इंसानियत सिखाई जाने लगती है और कल्चर डेवलप होने लगता है। क्लासिक लर्निंग, आर्ट, फिलोसफी, लिटरेचर रिवाइव होने लगता है, साइंटिफिक इंक्वायरीज की जाने लगती है और टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। यूरोप अब एक न्यू एरा में एंटर होता है जिसे द एज ऑफ डिस्कवरी, एज ऑफ एनलाइटनमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर कहते हैं। अक्सर आज के हिस्टोरियंस डार्क एजेस को एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक कहते हैं, क्योंकि 19वीं सदी हिस्टोरियंस इसे यूरोप के डार्केस्ट टाइम्स कहते रहे हैं और अक्सर लोग इसे मिसअंडरस्टैंड करते रहे और इसे यूरोप का बदतरीन दौर समझते रहे कि जहां सिर्फ बारबेरियत थी, जंगें थी, लोग इंटेलिजेंट नहीं हुआ करते थे, बैकवर्ड्स जाने लगे थे, मगर यही सब नहीं हुआ था। रोमन एम्पायर के गिरने के बाद एक न्यू सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर भी आया था जिसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक अच्छी शेप देने के लिए एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया था। कुछ साइंटिफिक और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स भी हुई थी और ये सारी चीजें मैं एक वीडियो में कवर तो नहीं कर सकता हूँ। फ्यूचर में इस टॉपिक पे मजीद ऐसे कुछ और वीडियोस भी बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत शुक्रिया।